एक और सवाल। हाँ ये सवाल जब एग्जाम में इस टाइप से पूछा जाता है ना, देखो हमें ना, जो मेरा मानना है, हर बच्चे का अपना अपना ओपिनियन रहता है, हर बच्चा अपने तरीके से पढ़ रहा है। जो मेरा मानना है, सवाल जब पॉइंट में देता है ना हमें क्वेश्चन, हमारे लिए आसान होता है, और जब पैराग्राफ में देता है ना तो हमें मुश्किल लगता है। हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी पैराग्राफ में जैसे ही दिया, हम अजम्पशन ले लेते हैं, यार क्या दे दिया, पूरा पढ़ो फिर करो, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पैराग्राफ वाले में आपको बस एग्जाम के अंदर पेशेंस रखना है कि भैया हमें बस पढ़ना ठीक से है, बाकी ये पॉइंट वाले से भी आसान हो जाता है। पढ़ना ठीक से और उसके पॉइंट आपको बनाना है। कहता है, इन अ मैन्युफैक्चरिंग जेड अ कंपनी यूसेस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल ए और बी। कहता है भैया यहाँ पे रॉ मटेरियल बात करें, यानी ए है और एक बी है, और रॉ मटेरियल की बात चल रही है। कहता है, रिस्पेक्ट विच द फॉलोइंग सप्लायर। कहता है, वन यूनिट जेड 10 kg। कहता है, एक यूनिट बनाना है ना अगर आपको, एट आपको कहता है, वन यूनिट ऑफ जेड रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ 4 kg आपका एंड 4 kg ऑफ बी मटेरियल। यहाँ ए मिसिंग है क्या? ए है ना, ऑफ के बाद ए है। 4 kg ऑफ ए और 4 kg, ये तो 8 ही किलो हुए। सही से एक बार देखिए, मेरे पास कुछ एरर रह गया। देखो एक बार, है ना बुक में, है ना क्वेश्चन, बुक का ही क्वेश्चन है ये। 10 kg 4 kg ऑफ बी और 10 kg ऑफ ए, ये वाला गलत लग गया है ना, ये ए है। अच्छा ठीक है, 10 kg ऑफ ए, यानी एक यूनिट बनाओगे ना आप, और यूनिट बनाओगे जेड का, तो 10 किलो लगेगा ए का और 4 किलो लगेगा ये, मतलब टोटल 14 किलो। प्राइस कहता है पर केजी ऑफ ए मटेरियल इज 10 एंड 20। कहता है इनका प्राइस जो है ना, ये 10 है और ये 20 है। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं पहले अपने समझने के लिए। रीऑर्डर क्वांटिटी यानी ईओक्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू, अगर हम ईओक्यू की बात करें तो क्या क्या है सर? ईओक्यू क्या क्या है? 10,000 एंड 5,000। आगे कहता है ये आर ओ एल भी दे दिया, 8,000, 4,750 यहां पे दे दिया इसने, 8,000 और 4,750 रिस्पेक्टिवली। वीकली प्रोडक्शन वेरी 175 से 225। कहने का मतलब है, वेरी का मतलब जो वीकली प्रोडक्शन है वो चेंज होता रहता है, कम से कम तो 175 हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 225 हो सकता है। तो आपका यूज, अरे इधर ध्यान दीजिए, 175, 2, 225, और ये सर यूनिट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं ए का बताओ कितना लगेगा मिनिमम, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, और अगर मैं बी का पूछ लूं मिनिमम कितना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? यानी ये यूनिट है, ये तो प्राइस है, प्राइस से थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए सर एवरेज बोल दिया 200, और आप देखो तो 175 और प्लस में 225 डिवाइडेड बाय आपका 2, 200 ही होते हैं, ठीक है ना? डिलीवरी पीरियड ऑफ मटेरियल 1 to 3 week टाइम दे दिया इसने सर, और 3 to 5, तो ए और बी का अलग अलग है। डिलीवरी टाइम 1 to 3 किसका? ए का, और डिलीवरी टाइम ऑफ 3 to 5 किसका? तो ये सवाल अब देखोगे ना, तो ऐसा सवाल हमने क्लास स्टार्ट करते टाइम पे ही करा था ना, जो प्रोडक्ट मैंने समझाया था वैसे पढ़ने में बल्कि लग रहा है। और अगर हम इसको सॉल्व कर ले, पूछा क्या है, मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल ऑफ बी, बीकॉम पास में आया हुआ है ये, तो मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए ये 4 बन रहा है। अब मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ ए को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लग जाएगा सर? आर ओ एल
माइनस में एवरेज कंजम्पशन इनटू में एवरेज लीज टाइम। मैं निकाल ही देता हूँ, बिल्कुल सेम है। तो भैया ये सेम सवाल कह रहे हैं तो इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। हाँ यहाँ पे केजी है तो आपको आंसर भी केजी लगाना है, वहां पे हो जाएगा। ये बताइए फटाफट, फिर आगे बढ़े हम।